यूएसए अमेरिका अरब में भी सुना जाता है, और वहाँ तक ये हमारे केएस म्यूज़िक चैनल के लोग कार्यक्रम को प्रसारित कर देते हैं, तो इससे फिर आपके कार्यक्रम खराब होने की का संदेश वहाँ पहुँचेगा, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। एक बार उसको सेट कर लीजिए। मैं समझ रही हूँ कि इसी चक्र में ही सवाल के रूप में मैं पहला गीत भैया रामवीर जी के लिए दे दूं, हालांकि मुझे यहाँ के नियम कायदे नहीं मालूम, मेरा पहली बार आगमन है आपके मंच पर, लेकिन हम लोगों के यहाँ वंदना के बाद अपनी तरफ से पहला गीत सवाल के रूप में देते हैं, तो अगर आप चाहें, आपकी आज्ञा हो, तो मैं पहला गीत भैया के लिए गा दूं। धन्यवाद। क्योंकि थोड़ा समय भी बचेगा और फिर उनको भी समय मिल जाएगा तैयारी करने का, तो मेरी तरफ से, चूंकि वृंदावन बिहारी लाल भगवान कन्हैया के चरणों में ये कार्यक्रम हो रहा है, जन्माष्टमी तो वैसे एक दो दिन पहले से ही मनाई जा चुकी है, लेकिन जहां जहां जिस मंच पर पहुंच रहे हैं, समझ लीजिए उसी दिन जन्म हो रहा है कन्हैया का, तो पहला गीत मेरी तरफ से मैं उनके ही चरणों में दे रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। हम कलाकार इतने सक्षम नहीं कि अपनी धुनें बना लें, इसलिए फिल्मी धुनों का सहारा लेना पड़ता है, तो पहले फिल्मी टुकड़ा आप सुन लें ताकि आपको एहसास हो जाए कि इस धुन पर ये गीत है। चलो एक चक्र हो जाने, जैसा बोल रहा है ठीक। एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, कौन सा? के शीशे से मुझको भैया धुन जानी पहचानी है आपकी। शीशे से मुझको इशारा मिला है, साहिल को जैसे किनारा मिला है। ना बस में जिया है ना अपनी खबर है, में जिया है ना अपनी खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, ये स्नेह है। देखिए आपकी तालियां बजेंगी कलाकारों के लिए और क्या, तो इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं है। कलाकारों को आपकी तालियां टॉनिक की तरह ताकत देती हैं। और क्या, तो मैं ऐसी जनता को प्रणाम कर रही हूँ। आप सत्य मानिए, हम लोगों से कोई कहे इतनी भीड़ में चिपक कर बैठ कर सुनिए तो हम नहीं सुन सकते ना। हम कहेंगे भैया गर्मी लग रही, परेशान हो रहे, लेकिन आप जैसी जनता को मैं प्रणाम कर रही हूँ जो अपना सुख चैन छोड़कर हम लोगों के लिए समय दे रहे हैं। मेरे पास तमाम हाथ नहीं है, आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो ना बस में जिया है ना अपनी खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। आपके आगे तो गोविंदा भी फेल है। और क्या? ये बस दादा बैठ जाइए, आप गीत सुनिए। ये बंबई में रहते हैं। हेलो हेलो, 51 मुद्राएं भैया हमारे योगेश राज, योगेश मिस्त्री जी, मंडी चौराहा 100 करोड़ मथुरा, आपके माध्यम से योगेश भैया को धन्यवाद है मेरी तरफ से। गीत को बड़े गौर से सुनिएगा। जिस समय कारागार में कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति को डाल दिया, देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं। कंस तो चाहता है कि इनको मार भी दूं, लेकिन बहन है इसलिए उसको नहीं मार सकता। दोनों पड़े हैं कारागार में। कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा,
कंस घबराने लगा। उसने कहा ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। ऐसा करते हैं जो भी लाल देवकी का होगा मैं उसे मार दूंगा। ये विचार करके कंस बैठा है। अब जरा गीत को सुनिएगा रामीर भैया। देवकी से कहा कि तुम्हारे जो भी पुत्र हो वो मेरे पास वसुदेव के हाथ से भेज देना। पहला पुत्र हुआ लेकिन कंस ने जब देखा वसुदेव पहला पुत्र लेकर आए तो कंस ने कहा इसको ले जाओ, इसको नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। वसुदेव सोचने लगे क्यों नहीं मारेगा। कंस कहने लगा कि इसको इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा काल तो आठवां पुत्र है, ये तो पहले वाला है, आठवां होगा उसको मारूंगा। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण 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 नारायण। नारद जी ने कहा कंस तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अरे ये कमल का फूल लो और इसकी पंखुड़ियां गिनो, अब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। कंस ने गिना तो कंस को समझ में आ गया क्या। कंस ने पंखुड़ियां गिनी तो इधर से भी आठ और उधर से भी आठ। तो बस नारद जी ने कहा आप समझ जाओ। नारद कहने लगे कि ऐ कंस, ऐ कंस, कि तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए, तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। और इसको पहले वाले को ही मारना शुरू कर क्योंकि कहीं आठवां ही ये, कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए, कहीं ये पहला वाला ही आठवां ना बन जाए। कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए, तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। अब देखिए नारद समझा रहे हैं, कमल का फूल कंस के हाथ में दिया है, कहा इसकी पंखुड़ियां गिनो और कहने लगे क्या। अष्टदल कमल लेकर अष्टदल कमल लेकर किधर से गिनो तुम, मेरी बात मानो राजन इधर से गिनो तुम, मेरी बात मानो राजन इधर से गिनो तुम। और कहा अगर इच्छा है तो इधर से गिनो, चाहे उधर से गिनो तुम, तो आएगा आठ चाहे जिधर से गिनो। हर बार पंखुड़ियों में आठ ही आ रहा है, चाहे कहीं से भी वो गिन रहा है। ये बात तो नारद ने कहा गिनती में तेरी राजन, गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए, कहीं आठवां ही प्रथम हो न जाए, तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। दूसरी बात सुने। ये बात अब पहली बात तो नारद कह रहे हैं शाबाश,
रामवीर भैया, दूसरी बात में कंस ने कहा, कहा कंस ने कहा, नारद जी आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिए सुनिए। छलिया है जैसा मैं तैसा करूंगा, और मुझको पता है मैं कैसा करूंगा। जानता हूँ वो आठवां लाल छलिया है, पर मैं ये भी वादा करता हूँ आपसे कि आप जैसा बता रहे हैं तो ऐसा करूंगा ना वैसा करूंगा, तो जैसा बताया तुमने मैं वैसा करूंगा। कंस ने कहा कि मैं हर एक लाल को मारूंगा, और तब तक मारूंगा भैया जी, तब तक मारूंगा जब तक लाल आठवां, जब तक लाल आठवां, जब तक खत्म हो न जाए तो तेरे काल का भूपर जन्म हो न जाए। बहुत शीघ्रता में पूरी कर रही हूँ और अंतिम बात है। बेटे। पहले नारद ने समझाया, फिर कंस ने कहा मैं हर लाल मारूंगा, लेकिन जिसको आना है वो तो आ ही जाता है। क्या बात है बेटे? अब भगवान अपने माँ के उधर से क्या सोच रहे हैं, क्या माता देवकी के वो लाल कन्हैया कह रहे, ये कंस कितना भी बचना चाहे लेकिन ऐ पापी कंस, ऐ पापी दोस्त, कि पता है ये मुझको, भगवान कह रहे कि ऐ कंस पता है ये मुझको, कहां तुम मिलोगे, जहां किशन माता पिता वहां तुम मिलोगे। और ऐ कंस यहां तुम मिलोगे या वहां तुम मिलोगे, मारूंगा तुमको चाहे जहां तुम मिलोगे। मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, और कब तक मारूंगा ऐ कंस, जब तक तुम्हारे साथों कर्म हो न जाए, कहीं आठवां ही ये प्रथम हो न जाए, तो तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए, तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। हम नाम कलाकारों में लिखाएं तो कैसे, जिनसे सीखा है उनको सिखाएं तो कैसे, हम नाम कलाकारों में लिखाएं तो कैसे। माना संगीत की दुनिया के छोटे से दीपक हैं हम, मगर इस सूरज को दीपक दिखाएं तो कैसे।
बड़ा प्यारा गीत दिया। किसी से मुझे मुद्राएं और हमारे छोटे भाई की ओर से आए हार्दिक हार्दिक बंधन है। प्रयास कर रहा हूं मैं अपनी ओर से। आदरणीय के शर्मा जी, बात वहां तक पहुंच गई धरती।
ज्यादा हुआ जब पापियों का अत्याचार, तो आठे आधी रात को हो गया कृष्ण अवतार। अब कहना क्या है इसका भैया? भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, माँ देवकी व्याकुल हैं, देख रही हैं क्या किया जाए। कंस का जैसे ही नाम याद आता है मैया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, अपनी माँ को कह रहे हैं, व्याकुल विकल प्राणी हो कुल मिलेंगे, व्याकुल विकल प्राणी हो कुल मिलेंगे, आठवें के कारण ब्रज में दो कुल मिलेंगे। ये आठवां जो मैं आया हूं, इस आठवें के कारण इस ब्रज में दो कुल मिलेंगे, आठवें के कारण ब्रज में दो कुल मिलेंगे। कोई न जान पाए वो कुल मिलेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूं शायद कोई लाइन आपके मन को पसंद आ जाए। कोई न जान पाए वो कुल मिलेंगे, और मैया कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि इसी रात मथुरा से गोकुल मिले। पिताजी से कहकर के मुझे गोकुल पहुंचवा दे माँ। ओ तू पहुंचा दे उल्टा मैया, कदम हो न जाए। और मैंने इस पाप को मिटाने के लिए जो प्रण किया है, तू पहुंचा दे गोकुल उल्टा, कदम हो न जाए। जो खाई है झूठी मेरी कसम हो न जाए। अंतर है आपके यहां शायद देखा जाता है कि आपने कहा था करम, और मैं कह रहा हूं कसम। लेकिन हमारे यहां जो अंतिम है सम, वो थोड़ा सा काफिया बंदी भैया तो जानते हैं जी। कोशिश है मेरी ओर से। अब कहा करना है उस करना है इसको ये वो ही करेगा, जैसा करेगा कंस वैसा भरेगा।
सौभाग्य की बात है कि केस म्यूजिक पर एक ही वो चैनल है कि जिसने तमाम छुपे हुए कलाकारों को लाकर के सामने खड़ा कर दिया है। एक इतना बड़ा मंच बना दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कीर्तनकार कहां से कैसा गा रहा है। हृदय से आभारी हूं अपने बड़े भैया संजय राठौर जी का, जो कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, फैजाबाद से चलकर के, फिरोजाबाद से चलकर के। और नमन करता हूं इस चैनल की मालकिन जो है बिटिया कशिश को। माता रानी से प्रार्थना करूंगा हे मां, उस बिटिया को कभी आंखों में आंसू मत देना। तो कहना है उस बिटिया के लिए, कहे कशिश बड़े भैया संजय भैया का 45वां जन्म दिवस था, और जब बिटिया कशिश से बात हुई तो उसने अपने भाव जो मेरे सामने प्रकट करे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि शायद जो बिटिया कशिश की बात है ये हर लड़की के, हर बिटिया के मन में ये बात होगी। और वो बात क्या है, कहे कशिश मम्मी पापा से सुन लो मेरी पुकार। वो कशिश कल जब मंदिर में गई और जाकर के माता रानी के सामने खड़ी हो गई, तब वो कहने लगी, कहे कशिश मम्मी पापा से सुन लो मेरी पुकार। माँ जब जब जन्म मिले धरती पर मिले तुम्हारा प्यार। वो नन्ही बिटिया कशिश कहने लगी, जब जब जन्म मिले धरती पर मिले तुम्हारा प्यार, तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, कभी ये परिवार न छूटे, तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे।
लगा रहा हूँ उनके पापा जो आप यूट्यूब पे देखते हैं इंटर चैनल, आप उनके पापा हैं और कल इनका जब मतलब जागरण था और कल इनका जन्मदिन भी था और एक ही बेटी है वो कशिश। लेकिन ये देखिए कि कल ही अपनी बेटी को छोड़ करके माता रानी के गुणगान सुनने आए, रिकॉर्डिंग करने आए, तब उस बेटी ने मुझे फोन किया कि चाचा जी मैं आपसे एक विनती कर रही हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। जो उन्होंने मुझे बताया और जब मैंने सुना तो वो बेटी नहीं अगर कोई और भी बेटी होगी तब वो ये बात जरूर कहेगी। कहे कशिश मम्मी पापा से सुन लो मेरी पुकार, जब जब जन्म मिले धरती पर मिले तुम्हारा प्यार, तो प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे। और कहा तेरी ममता के आंचल, देखिए बेटी का एक बेटी वो चीज होती है कि बाप इतना बड़ा बदमाश तुर्रेबाज सब कुछ सही, मेरी भी आगे बहन बेटी है, लेकिन जहाँ बेटी की बात आती ना तो देखिए हमारे छंगा भैया ढोलक वादक जो है कितना रो रहे हैं, बेटी बेटी संजय भैया भी रो रहे हैं, ये किस्मत वाली बात है। तब कहना है छंगा भैया तेरी ममता के आंचल की पाऊं सदा मैं छैया, और तेरे आंगन में खेलू तेरे आंगन खेल तेरी ममता के आंचल की मैं पाऊं सदा मैं छैया, तेरे आंगन खेल के बनू तेरी सोनी चिड़ैया। वो बेटी क्या कहने लगी, कुलदी कुलदी पक्की ज्योति बनकर एक अपने कुल की और एक जिस कुल में जाए उस कुल की कुल दीपक की ज्योति बनकर करूं सदा उजियार, प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, प्रेम का तार न छूटे। और उस बिटिया ने क्या कहा, उस बेटी कशिश ने क्या कहा, हर सुख दुख में तेरे हर सुख दुख में तेरे संग में तेरा हाथ बताऊं। वो बेटी संजय भैया की उसे कहने लगी कि चाचा जी मेरी इच्छा है हर सुख दुख में तेरे तेरे संग में हाथ बटाऊं, जो भी रूखा सूखा पाऊं कभी न वो विश्राम। बेटी कहने लगी हर सुख दुख में तेरे संग में तेरे
तेरा हाथ बटाऊं, जो भी रूखा सूखा बिटिया ने क्या कहा, श्री संजय राठौर दम पापा मेरे बन आए, मैं जब जब जन्म लूं तब तब जाते हमारे छोटे भैया भी, इनकी भी इच्छा यही है कि जब जब मेरी बेटी अगर जन्म ले तो मेरे ही घर में। श्री संजय हरदम पापा मेरे बन आए, मम्मी मेरी कमले मेरे पापा संजय राठौर हैं और मेरी मम्मी कमलेश राठौर हैं, तो मैं आज तुझसे विनती करती हूं श्री संजय ही हरदम पापा मेरे बन आए। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मेरी राठौर परिवार है, तब बिटिया कहने लगी मेरे हमदम मेरे साथी मिले ये बारंबार, प्रेम का तार न छूटे ये दरबार न छूटे। और कहना है अपनी ओर से कि एस चैनल मिलकर ये अपनी ओर से कहना है
चैनल है भैया। आज पूरे भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है और धन्य है हम लोग। हम और प्रदीप भैया बरेली के तमाम जितने भी लोग हैं जिनका नाम नीचे चलता पट्टी पे, खुशी होती है कि आज हम इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं कि जहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। तो कहना है कि चैनल नबी हर ये प्रोग्राम दिखाए, झांकी हो या जवाबी, चाहे झांकी का प्रोग्राम देखना हो, चाहे आपको भजन का प्रोग्राम देखना हो, सब प्रोग्राम आपको उससे मिलेंगे। झांकी हो या जवाबी, सबके मन को हर्षाए, सबके मन को हर्षाए, सबके मन को हर्षाए। अफसर के अवसर है कि आज मुझे भी इसके लिए गीत गाने का मौका मिल गया। अवसर कहता पावन माता हर सजा यहाँ दरबार, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं संजय भैया से, प्रेम का तार न छूटे। संजय भैया मेरी विनती है कि जो मेरा आपसे दिल का तार जुड़ गया है और जो परिवार से नाता जुड़ गया है, ये किसी का भी ना टूटे। प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे, प्रेम का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे। मम्मी पापा से सुन लो ये ही पुकार, कहे कशिश मम्मी पापा से सुन लो ये ही पुकार, जब जब जन्म मिले धरती पर मिले तुम्हारा प्यार, प्राण का तार न छूटे कभी ये परिवार न छूटे।